पेड़ पौधे न केवल घर की सुंदरता बढ़ाने का काम करते हैं बल्कि व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि भी करते हैं। वास्तु शास्त्र में भी कुछ ऐसे पेड़ पौधों का जिक्र किया गया है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र और पूजनीय माना गया है। ऐसे में अगर आप तुलसी के साथ कुछ और पौधे लगाते हैं तो आपको कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के साथ कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए। काले धतूरे का पौधा। मान्यताओं के अनुसार काले धतूरे में भगवान शिव का वास माना गया है। ऐसे में अगर आप अपने घर में काले धतूरे का पौधा तुलसी के साथ लगाते हैं तो इससे आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। वैवाहिक रिश्ते मजबूत होते हैं। कार्यक्षेत्र में लाभ और तरक्की के योग बनते हैं। आग का पौधा। आग का पौधा घर में लगाने से शुभता बनी रहती है। इसे घर के आंगन या फिर तुलसी के पौधे के पास लगाना लाभकारी माना जाता है, जिसके जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो रोजाना जल्दी उठकर स्नान करने के बाद आग और काले धतूरे के पौधे में जल मिश्रित दूध अर्पित करें। वहीं वास्तु शास्त्र में भी माना गया है कि घर में काले धतूरे का पौधा लगाने और नियमित रूप से इसकी पूजा करने से कुंडली में मौजूद पितृदोष से छुटकारा मिलता है।